वुल्फ वर्सेज स्पॉटेड हाइना। आज इस वीडियो में हम यही पता लगाएंगे कि अगर इनकी लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वुल्फ, वुल्फ का साइंटिफिक नेम कैनिस आयुपस होता है और इन्हें ग्रे वुल्फ भी कहा जाता है। वुल्फ मांसाहारी जानवर होते हैं और वो डियर, बाइसन जैसे जानवर को खाना पसंद करते हैं। वुल्फ की लेंथ 1.6 मीटर तक हो सकती है। एक मेल वुल्फ का वजन 80 किलोग्राम तक हो सकता है, वहीं दूसरी ओर एक फीमेल वुल्फ का वजन 55 किलोग्राम तक हो सकता है। वुल्फ का एवरेज लाइफ स्पैन 6 से 8 साल तक का होता है। वुल्फ्स एक दिन में 12 माइल्स का डिस्टेंस आसानी से कवर कर सकते हैं और उनकी भागने की स्पीड भी 50 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। अब बात करते हैं वुल्फ के वाइट फोर्स के बारे में। वुल्फ अपने शिकार को कम से कम 400 से लेकर 500 PSI के दबाव से काट सकता है। ग्रे वुल्फ्स आसानी से 12 फीट तक जंप कर सकते हैं। वुल्फ ग्रुप में रहना ज्यादा पसंद करते हैं और उनके ग्रुप को पैक कहा जाता है, और उनके ग्रुप में 2 से लेकर 30 वुल्फ तक होते हैं। अब बात कर लेते हैं स्पॉटेड हाइना के बारे में। स्पॉटेड हाइना, इन्हें लाफिंग हाइना भी कहा जाता है और इनका साइंटिफिक नेम क्रॉकुटा क्रॉकुटा है। स्पॉटेड हाइना को स्कैवेंजर भी माना जाता है और ये उन जानवरों की डेड बॉडीज खाते हैं जिन्हें दूसरे शिकारी जानवर खाकर छोड़ देते हैं। पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इन्हें शिकार करना नहीं आता। ये भी स्किल्ड हंटर्स होते हैं और ये आसानी से बर्ड्स, एंटीलोप, वाइल्ड बीस्ट और स्नेक्स जैसे जानवर को शिकार करना पसंद करते हैं। स्पॉटेड हाइना की लेंथ 1.7 मीटर तक हो सकती है। एक मेल स्पॉटेड हाइना का वजन 55 किलोग्राम तक हो सकता है, वहीं दूसरी ओर एक फीमेल स्पॉटेड हाइना का वजन 64 किलोग्राम तक हो सकता है। स्पॉटेड हाइना का एवरेज लाइफ स्पैन वाइल्ड में 25 साल तक का होता है। स्पॉटेड हाइना की सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। वो आसानी से दूर दूर की आवाजें भी सुन लेते हैं। साथ ही साथ उनकी आई साइड भी शार्प होती है रात के समय, जिसकी वजह से उन्हें मदद मिलती है, और वो रात के समय भी अपने शिकार के ऊपर हमला आसानी से कर देते हैं। ये हाइना बड़े ही तेज भागते हैं और आसानी से लॉन्ग डिस्टेंसेस को भी कवर कर लेते हैं बिना थके। इनकी मैक्सिमम स्पीड भागने की 64 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। स्पॉटेड हाइना का बाइट फोर्स भी कुछ कम नहीं होता। इनका बाइट फोर्स 1000 PSI का होता है, मतलब यह आसानी से 1000 PSI के दबाव से अपने शिकार के ऊपर काट सकते हैं, और इतना PSI बहुत है किसी भी जानवर को जख्मी करने के लिए। अब बात कर लेते हैं अगर वुल्फ और हाइना की लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा। देखा जाए तो हाइना बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं और उनकी स्पीड और PSI वुल्फ से बहुत ज्यादा है, तो इस लड़ाई में हाइना के पास बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। तो मेरे हिसाब से इस लड़ाई में हाइना ही जीतेंगे। अगर इनकी लड़ाई हम लोग रात में भी लेकर चलते हैं तो रात के समय भी हाइना के आई साइड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है और उनकी सुनने की शक्ति भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो वुल्फ अगर रात में भी इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा तब भी हाइना ही जीतेंगे। तो मैक्सिमम चांसेस जीतने के हाइना के ही हैं। तो मैं तो इस वीडियो में हाइना को ही विनर मानूंगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है और आपके हिसाब से इसका विनर कौन होगा, मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।